हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कोरियन मैगी। बहुत ही टेस्टी है और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, हर किसी के जुबान पर है कोरियन मैगी, और पसंद भी लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को बनाना नहीं आता। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोरियन मैगी पता भी नहीं है कि कैसे बनता है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं नया, तो उन्हें खाना होता है, लेकिन कैसे बने, कैसे बनाना है नहीं आप आइडिया होता। सो गाइस, बहुत इजी ट्रिक से घर में रखे सामानों से हम कोरियन मैगी तैयार कर रहे हैं कुछ ही मिनटों में। तो चलिए फिर कुक विद नीति पर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं बनाना। तो चलिए आप बना लेते हैं। तो कोरियन मैगी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 पैकेट यहाँ पर मैगी, जिसको मैंने बिल्कुल से ब्रेक कर लिया है। साथ में हमारे मसाले भी साइड रख देते हैं, और इसके लिए हम पानी बॉईल करते हैं। लगभग हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। तो 2 कप पानी हम पहले बॉईल करेंगे, गैस ऑन कर देते हैं, पानी को बॉईल आने देते हैं, फिर हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। तो पानी बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें मैगी ऐड कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारी मैगी कुक होगी, सभी को मैगी आती है नॉर्मली, हम इसको बॉयल कर रहे हैं। हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक ना ऑयल ना कुछ, सिर्फ सिंपल हमें इसे बॉयल करना है। तो हम इसे बॉयल करने देते हैं और दूसरी तरफ हम करते हैं प्रिपरेशन। तो इतने हमारी बॉयल हो रही है मैगी, तो इतने हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है चॉप्ड ऑनियन, आप ले सकते हैं यहाँ पे गार्लिक, ज़्यादातर लोग गार्लिक लेते हैं, लेकिन मैं गार्लिक स्किप कर रही हूँ क्योंकि गार्लिक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो आप इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी ले सकते हैं, तो मैंने ऑनियन ले ली है। तो यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स, यहाँ रेड चिली पाउडर ले लेंगे 1/2 स्पून स्मॉल वाली। उसके बाद यहाँ पर हम 1 स्पून बड़ा वाला लेंगे तिल। साथ में यहाँ पर हम लेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नमक ले लिया है। अब लेंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी केचप, टमाटो केचप लगभग 2 स्पून। अब लेंगे हम यहाँ पे चिली सॉस 1 से 1.5 चम्मच। साथ में हम लेंगे यहाँ पे सोया सॉस, ये भी हम लगभग 1.5 से 2 चम्मच ले लेंगे। अब लेंगे हम यहाँ पे ओरिगेनो, और अब लास्ट में यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मैगी मसाला। मैगी बॉईल हो चुकी है और हमारे जो सारे मसाले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब डालेंगे हम इसमें ऑयल, तो लगभग जो नॉर्मल स्पून होती है वो 4 से 5 चम्मच हमें ऑयल काफ़ी अच्छा खासा गरम करना है। तो वो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें वो गर्मा गर्म ऑयल ऐड करेंगे। तो ये ऑयल गरम हो गया है और हम ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सभी अच्छी मिक्स कर लिए हैं। अब मैगी हमने स्ट्रेनर में डाल ली थी, जो एक्स्ट्रा इसका पानी था वो हमने निकाल दिया है, और ये हमने मैगी बॉयल कर ली है। और अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और ये हमारी जो कोरियन मैगी है बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर तैयार हुई है। वैसे तो ये ऐसे ही बनती है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारी जो कोरियन मैगी है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी है, गर्मा गर्म सर्व करिए, और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।